पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सौगात दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 22 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की सहायता डाली। कांग्रेस पार्टी के किसानों की खुशहाली के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत खरीफ की फसल बोने वाले सभी किसानों को प्रति वर्ष इनपुट सब्सिडी के रूप में 9000 रुपये प्रति एकड़ की राशि दी जाएगी, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रह सकें। खरीफ वर्ष 2021 में किसानों से क्रय किए गए धान एवं अन्य खरीफ फसलों पर 9000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार आगामी वर्ष में भी खरीफ सीजन में खरीफ उत्पादक कृषकों को प्रति वर्ष 9000 रुपये प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2021 में जिन किसानों ने धान विक्रय MSP पर किया था, यदि धान के बदले कोदो कुटकी गन्ना अरहर मक्का सोयाबीन दलहन तिलहन सुगंधित धान अन्य फोर्टिफाइड धान की फसल लेते हैं अथवा वृक्षारोपण करते हैं, उसे प्रति एकड़ 9000 के रूप के स्थान पर 10000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले को 3 वर्ष तक अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 21-22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों मक्का सोयाबीन गन्ना कोदो कुटकी तथा अरहर उत्पादकों को भी प्रतिवर्ष 9000 रुपये प्रति एकड़ के दर से इनपुट सब्सिडी। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।